यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं News 24 टेरागाज। बहादुरगंज थाना पुलिस का अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी। दमदमा गांव में 25 लीटर शराब बरामद। इसके अलावा पूरे थाना क्षेत्र के अलग अलग आदिवासी टोला में कार्रवाई के दौरान 725 लीटर कच्चा शराब और शराब बनाने वाले सामानों को किया नष्ट। किशनगंज बहादुरगंज के नेहरू कॉलेज में लौटी रौनक। बीए पार्ट 1 की परीक्षा का सिलसिला जारी। कॉलेज में शांतिपूर्ण परीक्षा किया जा रहा है। किशनगंज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अलीमुद्दीन अंसारी ने किया नामांकन। पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे साथ में। अलीमुद्दीन अंसारी ने किया नामांकन आम आदमी पार्टी के। भारत नेपाल सीमा पर ठाकुरगंज में SSB द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने दवाई के साथ चिकित्सा का लाभ उठाया। किशनगंज AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अक्रम विमान ने किशनगंज लोकसभा चुनाव का नामांकन पर्चा भरा। समारोह से निकलते ही मीडिया को संबोधित करते हुए अक्रम ने कहा कि सीमांचल का बेटा हूँ, मेरी लड़ाई फासिस्ट ताकतों से है। सीमांचल की विकास के लिए हमारी लड़ाई है। किशनगंज में बाइक और ट्रक की आमने सामने टक्कर, बाइक चालक जख्मी। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के JDU से NDA उम्मीदवार महमूद अशरफ ने भरा नामांकन फॉर्म। विकास के मुद्दे को लेकर लड़ेंगे चुनाव, मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम सीमांचल के बेटे हैं, हमें लोगों का मिलेगा पूरा सहयोग, विकास हमारा चुनावी मुद्दा रहेगा। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आजाद ने आखिरी दिन अपना नामांकन फॉर्म भरा। कार्यकर्ता ने फूलों माला पहनाकर किया स्वागत। किशनगंज लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश कुमार दुबे नामांकन दाखिल किए। निर्दलीय से लड़ेंगे चुनाव, किशनगंज लोकसभा के लिए राजेश कुमार दुबे। किशनगंज के मोतीबाग में सब सड़क पर रखकर जाम लगाने का मामला। SDM शाहनवाज हुसैन नियाजी और SHO ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और ट्रैफिक नॉर्मल किया। नेपाल में खेले जा रहे टूर्नामेंट का फाइनल मैच चौकीघाट और फराबरी के बीच खेला गया। फराबरी टीम ने मैच को जीता। किशनगंज बरारा इज्तमा बिहार बंगाल बॉर्डर पर इज्तमा में लाखों लोगों ने भाग लिया। इज्तमा किशनगंज के बरारा में आलमी इज्तमा। टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के झुनकी मुसारा पंचायत स्थित पुल चौक में अल्फना नेशनल एकेडमी द्वारा संस्कृत प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के अभिभावक मुख्य रूप से संस्कृत प्रोग्राम में शामिल हुए।